शहरी कराची में यकजहती और इंसानियत की आला मिसाल पेश करता मरकज सच्चा सौदा गुरु नानक निवास। यहाँ बगैर किसी मजहबी तफरीक के आवाम की खिदमत का सिलसिला कई बरसों से जारी है। ये हमारे गुरु नानक साहब जो बानी गुरु हैं अवतार, उन्होंने शुरू ही काम लंगर से किया था। उनको माँ बाप ने 20 रुपए दिए थे को सच्चा सौदा करो। उन्होंने गरीबों को राशन दे के लंगर खिलाया और बोला मैंने ये सच्चा सौदा किया है। उस पिंड का नाम अभी तक सच्चा सौदा है। हम 15 साल से उधर लंगर चलाते हैं। इधर हमने उसकी ब्रांच खोली है, इसका नाम रखा है सच्चा सौदा लंगर हाल नानक निवास कराची। यहाँ रोजाना सैकड़ों अफराद के लिए खाना तैयार किया जाता है। इससे ना सिर्फ लोग अपनी भूख मिटाते हैं बल्कि अपने प्यारों के लिए भी खाना साथ लेकर जाते हैं। यहाँ ना सिर्फ आने वाले जरूरतमंद अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ मजाहिब से है बल्कि खिदमत करने वाले भी मुख्तलिफ अकीदों और शोबा जिंदगी से वाबस्ता है। मुस्लिम भी आते हैं, क्रिश्चन भी आते हैं, ईसाई हमारे अपने बरादरी के जो है गुजराती हैं और भी के सारे, मतलब कोई इधर मना नहीं है किसी को भी, कोई भी आ जाए। गुरु नानक निवास में खाना खिलाने के साथ साथ जरूरतमंदों को मुफ्त दवाएं भी फरहम की जाती हैं। एक हॉस्पिटल बनवाना है चैरिटेबल, वहाँ जो सिंध के अपर सिंध के लोअर सिंध के यहाँ गरीब पेशेंट आते हैं उनके लिए सहूलत हो। पेशेंट कोई या कोई ऐसा आता है तो उसको हम थोड़ा गाइड करते हैं या अपने पास कोई मेडिसिन होती है तो वो उनको देते हैं। सच्चा सौदा गुरु नानक निवास इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इंसानियत का कोई मजहब नहीं, और यही बेलौस खिदमत पाकिस्तानी माशरे को खूबसूरत बना रही है।